गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी रीडर बुक का ये सेकंड चैप्टर है। इसकी वर्ड मीनिंग मैंने लिखवा दी है, ठीक है। तो इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं, सुनामी, ठीक है। सुनामी क्या होता है? सुनामी जो जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उनमें क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, यानी भूकंप आता है, तो जो उसकी लहरें होती हैं वो उठती हैं ना, और वो मतलब पानी उसमें बहुत सारा आ जाता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं, ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जो सुनामी होता है वो बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है, उसकी जो वेव होती हैं, तरंगे जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, और वो जो अर्थ और जो किस कारण आता है, वो अर्थक्वेक यानी भूकंप के कारण आता है अंडर द सी। जो समुद्र में जो भूकंप आता है उसके कारण ये सुनामी आता है। ऑन 26 दिसंबर 2014 ए सुनामी हिल थाईलैंड हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट। और जो भूकंप ये जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को आया था थाईलैंड में, तो इंडिया के कुछ हिस्से अंडमान निकोबार आइसलैंड होता है द्वीप समूह, छोटे छोटे जो द्वीप समूह होते हैं वो होते हैं आइसलैंड, और पार्ट ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान, ठीक है, और ये तमिलनाडु में भी आया था। तो हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और इसमें क्या बताया गया है कि साहस और जो बच गए थे उनके लिए उनकी इसमें कहानी बताई गई है। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, है ना। तो जो ये कहानी है अंडमान और निकोबार द्वीप के बारे में बताई गई है। ये आर्किपेलागो यानी क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड, कि एक बहुत सारे आइसलैंडों का समूह होता है ना। और आइसलैंड क्या होते हैं? जो समुद्र के मतलब जो आइसलैंड समुद्र के बीच में होते हैं, छोटे छोटे टापू होते हैं, द्वीप समूह होते हैं ना, तो वो होते हैं आइसलैंड। तो बहुत सारे आइसलैंड मिलाकर आर्किपेलागो बनता है। तो इसमें अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं अलग अलग लोगों की कि उनके साथ साथ क्या हुआ था। तो देखते हैं, इग्नेसियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। तो इग्नेसियस एक व्यक्ति का नाम है, ये एक मैनेजर थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और कहाँ थी कोऑपरेटिव सोसाइटी? कचल में। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इनकी जो वाइफ थी वो सुबह 6 बजे उठी बिकॉज उनको लगा, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है। तो इग्नेसियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट स्टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो उन्होंने जो इग्नेसियस थे उन्होंने बिल्कुल सावधानी से जो अपना टीवी था वो टेबल से नीचे रखा, ताकि वो जमीन पर रखा जिससे वो कि गिरकर टूटे ना। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस, और जो उसकी पूरी फैमिली थी वो घर से बाहर आ गई। वेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, जब जो ट्रेमर्स यानी झटके, भूकंप के जो झटके लगते हैं वो झटके लगना बंद हुआ, तो दे सॉ द सी रिसिंग, उन्होंने देखा कि जो समुद्र था वो मतलब उसमें से पानी बहुत आ रहा था। इन द चेओस एंड कन्फ्यूजन, और चेओस यानी कंप्लीट डिसऑर्डर, उनको पता नहीं था कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कन्फ्यूजन की स्थिति में थे। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, और जो उनके दोनों बच्चे थे उन्होंने, एक ने तो अपने नाना का हाथ पकड़ लिया था और मदर्स ब्रदर यानी एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया था। आगे देखते हैं, एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो इधर उधर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सो देम अगेन, और वो कभी भी दिखाई नहीं दी, यानी वो पता नहीं कहाँ बह गए। हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट, और उनकी वाइफ भी मतलब उनकी भी डेथ हो चुकी थी। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, और जो उनके साथ में तीन बच्चे थे सिर्फ वो ही बचे थे। तो इसमें ऐसे ही दूसरी कहानी है, एक संजीव नाम के हैं, संजीव वाज ए पुलिसमैन। संजीव क्या है? एक पुलिसमैन है। सर्विस इन द कचाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। तो इनकी सर्विस कहाँ है, इनकी नौकरी कहाँ पे? कचल में ही है, जो आइसलैंड है निकोबार ग्रुप समूह में। ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को मैनेज किया और बचाने में, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और उनकी जो वाइफ थी उनकी मतलब पत्नी और उनकी जो बेटी थी उसको भी उन्होंने बचाने में खूब कोशिश की। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोहन, तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी जो जोहन की वाइफ की थी, द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, और जो संजीव थे उनको बचाने के लिए
कूद पड़े, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों उनसे टूट चुके थे, मतलब वो दोनों बह चुके थे, जो जॉन था और उनकी वाइफ थे दोनों के। अब ऐसी कहानी एक और है, 13-year-old मेघना, एक 13 साल की लड़की है मेघना, वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल, और जो मेघना है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 लोगों के साथ में बह गई और पता नहीं अब पानी में कहाँ चली गई। सी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और जो उसने वो जो मेघना थी उसने समुद्र में अपने आप को बहते हुए 2 दिन मतलब उसने बहते हुए निकाले, होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और उन्होंने क्या पकड़ा था, उसने एक लकड़ी का फट्टा कोई पकड़ा था। 11 times द सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, 11 बार जो हेलीकॉप्टर था जो रिलीफ यानी जो बचाने के लिए आते हैं वो उसके सर के ऊपर से चला गया, बट दे डिड नॉट सी हर, बट उन्होंने उसको नहीं देख पाए। सी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, और जो थी वह बेहोश हो गई, और एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द शोर इन ए डेज, और सुबह दूसरे दिन उसने उसको खुद को उस जमीन के किनारे मतलब समुद्र के किनारे पर खुद को बेहोश पाया। ठीक है, तो अब तीसरी कहानी है, अलमाज जावेद वाज 10 years old, अलमाज जावेद हैं वो 10 साल के हैं, सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और वो एक स्टूडेंट हैं जो कैरमल कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, और उनके पिताजी क्या हैं, पिताजी का क्या है, एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रोहिला होम वाज नेक्रोय आइसलैंड, और उसकी माता जी वहीं रहती हैं, द फैमिली हैड गॉन 3 टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी जो फैमिली है वो क्रिसमस मनाने के लिए वहाँ पर गई हुई थी। When the tremors came early in the morning, जब जो tremors जो झटके थे वो सुबह ही आ गए थे, तो the family was sleeping, उनकी जो family थी वो सो रही थी। अलमा's father saw the sea water recede, जो अलमा के जो father थे उन्होंने देखा कि जो पानी था वो वापस जा रहा था। He understood, वह समझ गए थे कि that the water would come rushing back with great force, जो पानी है वो तेज बहाव के साथ में वापस आएगा। तो he woke everyone up and tried टू रस देम टू सेफर प्लेस, और उन्होंने सबको उठाया और कहा कि यहाँ से जल्दी चलो और सेफ जगह पर चलते हैं। एज दे रन, और वो वहाँ से भागे। हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन, और उनके जो ग्रैंड फादर दादाजी थे उन पर जो लहर थी उसकी सुनामी की जो लहर थी पानी की जो उनके सिर पर पड़ी, तो वो वहीं पर ही गिर गए और वो बह गए। हर फादर रस टू हेल्प हिम, और उसके पिताजी जो थे वो उनके हेल्प करने के लिए गए। Then came the first gallant wave that swept both of them away, और उन दोनों को ही वो जो पानी का बहाव था वो बहा ले गया, उसके दादाजी को और उसके पिताजी को, इतना पानी का तेज बहाव था कि उन दोनों को वो बहा ले गया। अलमाज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लाइनिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, जो अलमा थी अलमा की जो मदर थी और उसकी जो आंट थी उन्होंने एक कोकोनट ट्री यानी एक कोकोनट के ट्री को पकड़ रखा था। कॉलिंग आउट टू हर, और उसको वो बुला रही थी। ए वेव अप्रूवेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और जितना पानी का बहाव था कि जो पेड़ था वो भी जड़ उसकी उखड़ गई और वो भी बह गया। अलमा सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमा ने एक बड़ा ही लकड़ी का फट्टा देखा जो बह रहा था। सी क्लाइम्ब्ड ऑन द इट, और वो उस पर चढ़ गई। देन द फेंटेड, और लेकिन वो वहाँ पर बेहोश हो गई। वैन सी वोक अप, जब वह उठी तो सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कैमोरेटा, तो जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा उनको कैमोरेटा के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम दियर सी वाज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर, और वो उन्होंने कहाँ लेके आए थे वो लोग, पोर्ट ब्लेयर में, जो वहाँ हॉस्पिटल था वो पोर्ट ब्लेयर में था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, और जो लिटिल गर्ल थी वो जो थी क्या नाम था उसका, अलमा जो थी वो उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। सी इज स्टिल ट्रमस्टेड, वह उससे डरी हुई थी, वह उस घटना से बहुत ही शॉक थी और डरी हुई थी इसलिए। तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है मैंने, तो इसके हिंदी अनुवाद करें और इसके पैराग्राफ को अपनी कॉपी में करें और एक बार अच्छे से इसको एक बार पढ़ लें तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है।